मंशा अफरीदी आपकी खिदमत में हाजिर है। वकार ज़का पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर पर्सन हैं, उनका एक बहुत बड़ा अपना हवाला है। वो बड़ी बहादुरी के साथ, शुजात के साथ कोई भी इशू डिस्कस करते हैं टीवी चैनल्स पर और साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो इस वक्त उनका एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जो पबजी को पाकिस्तान में बैन किया गया है, वो इसे अनबैन कराने के चक्कर में है। इसे एक कातल गेम कहा जाता था, हालांकि मैं समझता हूं कि पबजी कोई कातल गेम नहीं। हमारे नौजवान इसके ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो अजीब हमारे पाकिस्तानियों का हवाला है, हमारे पाकिस्तानी सोचते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी अजीब तरह के एजेंडे पर अमल करती है। तो पबजी को कातल गेम कह रहे हैं, हालांकि पबजी कातल गेम नहीं है। अब वकार ज़का की ये कोशिश यकीन रंग लाएगी। और साथ में यहाँ पर एक और हवाला देना चाहता हूँ कि वकार ज़का ने एक सितारा नामी लड़की का इंटरव्यू लिया कि जिसके साथ लोग बहुत ज्यादा करते थे, उसे हरास करते थे, उसके साथ ज्यादा करते थे और वो बेचारी लोगों के घरों में काम करती है, इसके अलावा वो शायद मेहनत मजदूरी भी करती है। तो इस हवाले से वकार ज़का ने उसकी बहुत बड़ी माली इमदाद की और उसे कहा कि आप आइंदा इस तरह से ना करें। उसका इंटरव्यू अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर उसने नशर किया। यकीन कीजिए दोस्तों, मैं इस मौका पर वकार ज़का को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मुसबत काम ही डिस्कस किए, उन्होंने कभी भी कोई एक तरह से गैर मुसबत चीज़ डिस्कस नहीं की। और उसमें यकीनन एक चाशनी होती है एक तरह से, और इसके अलावा बहुत खूबसूरत बातें भी होती हैं, इंटरटेनमेंट भी होती है उसकी गुफ्तगू में, और साथ ही एक बहुत बड़ा लॉजिक भी बयान होता है उसकी गुफ्तगू में। मैं समझता हूँ कि वकार ज़का की कोई भी वीडियो, उसका कोई भी टॉक शो फजूल नहीं, उसके अंदर कोई मकसदियत छुपी हुई है, उसके अंदर कोई एक बेहतरीन किस्म की लॉजिक छुपी हुई है। तो मैं दोस्तों वकार ज़का को यकीनन अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वकार ज़का ने जहाँ पर अच्छे प्रोग्राम्स किए, अच्छी वीडियोस सोशल मीडिया पर डाली, तो वहाँ पर उसने चैरिटी के काम भी अच्छे किए। और वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि वकार ज़का एक खैराती इदारा है कि जो लोगों के मफादात के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस मुख्तसर वीडियो के बाद आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल मंशा अफरीदी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।